हेलो स्टूडेंट, इसी राकेश कुमार आए, वेलकम टू आवर चैनल जूम नॉलेज। हम लोगों ने पिछले पार्ट वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने फॉरेस्ट के थ्री पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, थ्री टाइप्स का फॉरेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हैं, दिस इज टेम्परेट डिसीजियस फॉरेस्ट। इसको हिंदी में समशीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। इसके क्या क्या फीचर्स है वो हम देखेंगे। देखिए, दिस फॉरेस्ट फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। ये फॉरेस्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट में पाए जाते हैं। जो भी कंटिनेंट हमारा है, जैसे कि आपका ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोपियन है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर एशिया कंटिनेंट है, तो इनमें इनके मार्जिन में जो पाया जाता है, इलाकों में पाया जाने वाला, ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट को बोलते हैं। इसका फीचर यह है कि यहाँ 70 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर बारिश होती है। बारिश 70 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसका एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब कि ये ठंडी क्षेत्र, और यहाँ पर सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, लोग ज्यादा रहेंगे वहां पर, और आदर्श कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस एक आदर्श क्लाइमेट है, आइडियल क्लाइमेट है। दिस फॉरेस्ट फाउंडिंग, ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए आप देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप है, यूएसए है, यूएसए का नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। इसको ध्यान से आप देखें। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट यूरोप में पाया जाता है, यूरोप के इस इलाके में पाया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट चाइना, ये चाइना आपका है यहाँ। उसके बाद आपका जापान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड, दिस इज जापान और न्यूजीलैंड, ये चाइना हो ही गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में क्या है इसका। ट्रीज वेरी टॉल, यहाँ पेड़ बड़े लंबे होते हैं स्टूडेंट्स, और मोटे भी होते हैं, और उसके ट्रंक ब्रॉड होते हैं, मोटे ट्रंक होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, सेट देयर लीव्स इन एंटून, मतलब जब बसंत का सीजन आता है तो पत्ते सारे उसके गिर जाते हैं, और सालों भर न्यू लीव्स स्प्राइटेड इन स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन जब आता है तो नए पत्ते फिर निकलने लगते हैं। देखते हैं कि वहां कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो एक ऑक ट्री है, चेस्टनट है, केदार है, रेडवुड है, और ब्रिज है। ये ध्यान से देखिए, ब्रिज कम से कम 300 फीट हाइट का होता है वहां पर, और चेस्टनट आप देखेंगे, चेस्टनट लोग खाते भी हैं, वो काफी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम भी करता है। आइडियल क्लाइमेट तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, और वाइल्ड लाइफ वहां देखते हैं कि वहां पर डियर, फॉक्स, वोल्व्स, बिशन, ये वहां पर जंगली जानवर पाए जाते हैं। बर्ड्स में आप देखेंगे तो वुड पीवीज, ग्राउसेस और डगलस। वुड पीवीज एक छोटी चिड़िया होती है, जिस तरह से यहाँ पर आप इंडिया में देखेंगे स्पैरो, वो होता उस तरह का ही एक प्रजाति का होता है। और ये ग्राउसेस मतलब एक, जैसे आप मुर्गी को देखे होंगे उसी प्रकार का ये भी होता है, और डगलस एक स्क्वायरल होता है, जैसे हमारे गांव शहर में जानते ही हैं स्क्वायरल, गिलहरी बोलते हैं, वो यहाँ पाए। सो स्टूडेंट, कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेडिटेरियन फॉरेस्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है भूमध्य सागरीय वन। तो देखते हैं भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, और ये 45 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये आप देख सकते हैं इक्वेटर, इक्वेटर से ये नॉर्थन नॉर्थ एरिया में ये इस लैटिट्यूड पर पाया जाता है, और ये साउथ में है, इक्वेटर से इधर साउथ लैटिट्यूड पर यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली इसका मेडिटेरियन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ मेडिटेरियन सी है। ये जो कंट्रीज है यहाँ पर, टर्की, ग्रीस, इटली, फ्रांस इस और स्पेन, इन कंट्रीज के बीच में ये मेडिटेरियन सी है, इसलिए यहीं से इसका नाम जन्म हुआ। मेडिटेरियन इसको फॉरेस्ट बोलते हैं, जो जंगल यहाँ पाए जाते हैं, रेड से मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं। और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच में ये अधिकांश पाए जाते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका का ये एकदम साउथर्न पॉइंट पर, ये वेस्टर्न केप साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है, और ये सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका के सेंट्रल चिली में भी ये आपको देखने को मिलेगा, और कैलिफोर्निया का ये एरिया जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में भी पाया जाता है, और ये कैलिफोर्निया गल्फ एरिया है। तो आइए देखते हैं, इसी को ऑब्जर्व करते हुए, ये दिस फॉरेस्ट ग्रोज वेल इन वार्म टेम्परेट रीजन ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। ये जितने भी कंटिनेंट का हमने नाम बताया है, इसका वेस्टर्न मार्जिन पर, यानी वेस्टर्न एजेस जो इलाका होते हैं वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और एक कंटिनेंट का नाम ये देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ठीक है, ये कंटिनेंट है। और कौन से कंट्रीज हैं,
तो कैलिफोर्निया, ये आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया यहाँ पर है। सेंट्रल चिली, सेंट्रल चिली ये साउथ अफ्रीका का ये मार्जिन इलाका यहाँ पर है। उसके बाद ये साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर साउथ वेस्टर्न में भी पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब दीज रीजंस हैव अ क्लाइमेट सिमिलर टू द मेडिटेरेनियन एरिया, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। यानी ये जो रीजन तो हमने बताया, ये रीजन जो है इनका क्लाइमेट मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, ये जो हमने बताया उसी से मिलता जुलता सिमिलर है, इस वजह से इसको मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको घने जंगल देखने को नहीं मिलेंगे, मीडियम हाइट के ट्री होते हैं। और वहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है कि बहुत ही ठंडी क्लाइमेट होती है, काफ़ी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि किस तरह से ठंडी में बारिश होती है, तो इसमें मिल्ड रेन भी बोल सकते हैं, यानी रेनफॉल जो होता है विंटर में यहाँ होता है, समर हल्का ड्राई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, ऑलिव है जिसका तेल बनता है ऑलिव ऑयल, कॉर्क है, कॉर्क में आप देखेंगे काफ़ी वाइन्स वगैरह होता है, उसका कैप या क्रिकेट बॉल का भी उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। फीग है, अंजीर जिसको बोलते हैं, ए लॉरियल एक फ्लावर प्लांट होता है, ये भी आप वहाँ पर पाए जाते हैं। मार्टाइल है, मार्टाइल भी एक पेड़ होता है जिसके लाल लाल फूल होते हैं, वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। साइप्रस, साइप्रस भी इंडोर एक घर में प्लांट लोग लगाते हैं, साइप्रस थोड़े थोड़े क्रिसमस टाइप के होते हैं, मतलब आप उसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। ग्रेपी वाइन से अंगूर के भी मिलते हैं वहाँ, और सिट्रस फूड लाइक ऑरेंज एक्सेट्रा, मतलब ये सब खट्टे फल स्टूडेंट्स वहाँ पाए जाते हैं। जंगली जानवर वहाँ विशेष नहीं पाए जाते स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ सेटलमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर काफ़ी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग, जब सेटलमेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ कम हो जाती है। लेकिन वहाँ फॉक्सेज वहाँ पाए जाते हैं, सिल्वर फॉक्सेज वगैरह हैं वो सब पाए जाते हैं, स्क्वायरल है, रैबिट है, डियर है, फॉक्स है, लियोपार्ड्स है, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स पाए जाते हैं। और बर्ड्स में काइट्स, फाल्कन ये सब भी पाए जाते हैं। स्टूडेंट कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट। देखिए इट मींस शंकुधारी वन, शंकुधारी का नाम से ही स्पष्ट है कि ये शंकु के आकार का होगा, यानी आप देख सकते हैं जैसे आप कोन देखे होंगे, आइसक्रीम का कोन देखे हैं, उस तरह से उस शेप में होते हैं वन, ये पेड़ उसी तरह से पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। दीज फॉरेस्ट फाउंड इन सब पोलर एंड पोलर बेल्ट्स बिटवीन 55 डिग्री टू 70 डिग्री लैटिट्यूड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप जानते हैं कि इक्वेटर लाइन है, और इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा जो होता है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। वहां पर जो 50 डिग्री और 70 डिग्री का लैटिट्यूड होता है, यानी आप देख सकते हैं 50 और 70 के बीच में एक इस जगह पर ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इसमें एरिया कौन कौन सा आता है, तो मेन एरियाज आर अलास्का, नॉर्दर्न कनाडा, तो आप देख सकते हैं अलास्का है और ये नॉर्दर्न कनाडा है। उसके बाद एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये देखिए पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन एंड नॉर्दर्न रशिया, और रशिया का नॉर्दर्न इलाका में भी पाया जाता है, साइबेरिया इसको बोलते हैं, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है बच्चों वहाँ, और इसको हम लोग टाइगा भी बोला जाता है, ये रशियन वर्ड है, और टाइगा का मतलब होता है बहुत अधिक सर्दी जहाँ हो, और इसको बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न फॉरेस्ट होता है इसलिए बोरियल बोलते हैं, और ये बायोमी बायोम बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कॉनिफरस ट्रीज और एवरग्रीन फॉरेस्ट दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, इसलिए इसको बायोमी बोला जाता है। यहाँ के पेड़ क्या होते हैं, ये पेड़ बहुत लंबे होते हैं और इसके पत्ते जो होते हैं नीडल्स लाइक के होते हैं और लीफ एंड एवरग्रीन होते हैं। कॉमर्शियल वैल्यू इसका बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये पेड़ के जो पेड़ से बनाए जाते हैं जो सामान वो मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि माचिस आपने देखा होगा वो बनता है, पेपर बनता है, प्लाईवुड बनता है, और स्पोर्ट्स के गुड्स भी बनते हैं। टाइप्स ऑफ ट्री में आप देख सकते हैं फिर पाइन, स्कॉच, लार्च, सिल्वर फिर और सिडार भी बोलते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। लुम्बरिंग इज प्रैक्टिसिंग, लुम्बरिंग मतलब वहां पर पेड़ कटाई का काम बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसको लुम्बरिंग वहां ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। एनिमल्स में पाए जाते हैं बियर्स, लैनेक्स, मेंस, रेंडियर एक्सेट्रा। बर्ड्स में आपको मिलेंगे वहां देखने को क्रॉसबिल, ओल, फाउंड इन दीज फॉरेस्ट।
ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अब मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।